Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 8C of class 10th mathematics, chapter name matrices. So basically in this video we will discuss about the product of matrices, or simply we can say that the multiplication of two matrices. Okay, first we will see the rule of multiplication, then we will start exercise 8C. So let's start the rule of multiplication of matrices. Look here. Multiplication of two matrices. Okay, the product of 2 by 2 matrices A and B, denoted by A cross B or A dot B, or simply AB, is defined as follows. Set A, matrix A, A1, B1, A2, B2, and matrix B, C1, D1, C2, D2. Then A cross B is equal to, अब देखिए इसका multiply कैसे होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. मीन्स आप क्या करिएगा, इसमें ऐसे जाइएगा, इसमें ऐसे. A1 मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाई C2, A1 मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाई C2. क्लियर. अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे. करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को होना है, तो फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है. मीन्स A1 मल्टीप्लाइड बाई D1, ये हो गए, ठीक है. एंड B1 मल्टीप्लाइड बाई D2, B1 मल्टीप्लाइड बाई D2, ये हो गए. सेम एज अब इस रो का फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. इसका कर रहे हैं इसमें A2 मल्टीप्लाइड बाई C1, क्लियर. B2 मल्टीप्लाइड बाई C2, मीन्स ये इससे होगा, ये इससे होगा. इसमें आगे जाना है, इसमें नीचे आना है, ठीक है. सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम, तो A2 मल्टीप्लाइड बाई D1 एंड B2 मल्टीप्लाइड बाई D2, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, एक रूल और, जरा से यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट है उसको ऐसे समझ लेते हैं. इन्होंने कहा है कि अगर से दो मैट्रिक्स A और B को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तभी होगा जबकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. मीन्स पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है, ये ना देखिए, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतनी दूसरी मैट्रिक्स के रो होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है. क्लियर. ओके, अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सरसाइज 8C के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं. A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 6, 1, 1, 1, and C is equal to -2, -3, 0, and 1. हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम A multiplied by B निकालेंगे, बाकी आप अपने से निकाल लीजिएगा उसी प्रोसेस पे. उसके बाद A square find कर देंगे और लास्ट में A multiplied by BC निकाल देते हैं. तो सबसे पहला काम A multiplied by B, देखते हैं कैसे आएगा. मैट्रिक्स C नहीं लिखते अभी, C को बाद में लिखा जाएगा. लुक हियर, हेयर मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर रिटन. नाउ फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी. मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई बी. ओके, सो राइट द गिवन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, 6, 1, 1, 1. क्लियर. अच्छा, अब हमको क्या करना है, ए का मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स बी के साथ. तो अब इसमें देखिए होगा क्या, सबसे पहला काम, जरा से शॉर्टकट नहीं चलिएगा, इसमें ऐसे जाना है, इसके ऐसे एलिमेंट को लेना है. तो 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको एक आध क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है. 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं. अब फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना. अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, जब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गए. अब आते हैं हम सेकेंड रो पे. सेकेंड रो में एलिमेंट है आपका 3 एंड 4. इस सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम के साथ. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1. ओके, नाउ हियर
सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैट्रिक्स मिल जाए वो आपकी मैट्रिक्स ए बी हो जाएगी। ओके, 6 1 6 + 2 8, ओके 1 1 1 + 2 3 एंड 18 + 4 22 एंड हियर 3 + 4 = 7, इट इज योर मैट्रिक्स ए बी, ये हो गया। सपोज कर लीजिए हमको निकालना होता ए बी का मल्टीप्लाई करना होता सी के साथ, ऐसे सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, इस तरीके से सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी। तो अब जरा से एक चीज ये समझिएगा, अगर यहां पर ए मल्टीप्लाइड बाई बी था तो पहले मैट्रिक्स ए है तो हमें पहले मैट्रिक्स ए निकालना है, सेकेंड मैट्रिक्स बी है तो सेकेंड पोजिशन पर मैट्रिक्स बी को लिखना है। अगर बी मल्टीप्लाइड बाई ए कर दिया जाता तो आपका रिजल्ट अलग हो जाता है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी को पहले लिखते हैं और मैट्रिक्स ए को बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी है तो ए बी मैट्रिक्स तो हमको मालूम हो चुकी है, मैट्रिक्स सी जो क्वेश्चन में दी गई है वो यहां पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है, और मैट्रिक्स ए बी तो आपको मालूम है, ये ऊपर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके निकाला है, 8 3 8 3 22 एंड 7, क्लियर। मैट्रिक्स सी देख लेते हैं क्या है, ये देखिएगा मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू -2 0 -3 1 -2 0 एंड -3 1। नाउ अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर सी पहले है तो मैट्रिक्स सी को बाद में लिखना है, सॉरी पहले लिखना है, अगर सी बाद में होता तो मैट्रिक्स सी को आप बाद में लिखते, ठीक है ना। नाउ मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई 22, क्लियर। नाउ सेम एज हियर, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ओके। नाउ फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 22। नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, ओके। नाउ सिंप्लीफाई द मैट्रिक्स, 8 2 16 16 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई 22 -66 एंड 16 -82, ओके। नाउ -6 -21 -27 -6 -21 -27, 8 0 0 एंड 22, यू कैन राइट हियर सिंपली 22, 3 0 0 एंड 7, सो इट इज योर सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, ये हो गए। सपोज कर लीजिए आपसे कह दिया जाता कि फाइंड आउट ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर कैसे मालूम होता, ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए और ए को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, ऐसा मत करिएगा कि आपने होल पावर 2 लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया और सारे डिजिट को स्क्वायर कर दिया, वो मत करिएगा। वन मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए, सो गिवेन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेम एज ये 1 2 3 4, ओके। नाउ सेम प्रोसेस अप्लाई इन द ए स्क्वायर, नाउ 1.1 2.3, 1 + 2.3 मीन्स 6, 1.2 2.4, 1.2 मीन्स 2 प्लस 2.4 मीन्स 8, 3.2 4.3, 3 + 12 एंड 3.2 6 एंड 4.4 16, ओके। नाउ चेंज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, 6 + 1 7 10 15 एंड 22, क्लियर, इट इज योर ए स्क्वायर। तो जो भी निकालना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर के लिए ए मल्टीप्लाइड बाई ए, फॉर बी स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाई बी, फॉर सी स्क्वायर सी मल्टीप्लाइड बाई सी। अच्छा, एग्जाम में अगर आपने मिस्टेक कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, तो होल स्क्वायर का रूल देखिए, यहाँ पे स्क्वायर वाले नंबर नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल अलग हो गए। तो हमको क्या करना है, ए और ए का आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब ये वो बेसिक मल्टीप्लीकेशन नहीं कि आप वहाँ पे स्क्वायर कर दिए क्यूब कर दिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
सपोज कर लीजिए ए क्यूब पूछता, तो ए क्यूब के लिए क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर करना होता, तो वहां से रिजल्ट मिल जाता। क्लियर? सेम एज कंप्लीट ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इसी तरीके से। देखिए ए बी बी सी ए सी सी ए बी सी सी बी, ये निकालना है। अब ये मत सोचिएगा कि ए बी निकाल दिया है तो वही बी ए आएगा, ए बी और बी ए बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, पहले ए को लिखा था बाद में बी को लिखिएगा। इसमें क्या होगा, पहले बी लिखा जाएगा बाद में ए होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो अलग होगा। यानी कि जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करती है। एडिशन में क्या होता था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट मल्टीप्लीकेशन में नहीं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिएगा। हमने जो सॉल्व किया है वो इस तरीके से कुछ किया, ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी, बट हमने पहले सी लिखा था, आप बाद में सी लिख के सॉल्व करिए, आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ट्रू फॉल्स से अपना देख लीजिएगा। इफ दीज टू आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहला काम कि ये मैट्रिक्स आप कंपेयर तब करोगे जबकि लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम मैट्रिक्स हो, मतलब एक मैट्रिक्स लेफ्ट में हो, एक ही मैट्रिक्स राइट साइड में हो। तो राइट में तो सिंगल मैट्रिक्स है, लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके एक कॉमन मैट्रिक्स बना लेंगे, उसके बाद करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में ए स्क्वायर फाइंड करना है, उसके बाद बी मल्टीप्लाइड बाई सी फाइंड करना है। दोनों मैट्रिक्स निकलने के बाद एड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट m मल्टीप्लाइड बाई दिस मैट्रिक्स गेट 1, 2। ओके, हियर वेयर m इज अ मैट्रिक्स, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m, फाइंड द मैट्रिक्स m। आपसे पूछ रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स मिल रही है, तो सबसे पहली बात कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, और दूसरा वो मैट्रिक्स क्या होगी, मीन्स मैट्रिक्स m का ऑर्डर आपको बताना है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑर्डर कैसे मालूम होगा, सबसे पहला काम कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, इसमें कितने एलिमेंट है, देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है, ये इसका सिंगल रो है एंड टू कॉलम है, 1 row 2 column, ये ना। तो मैट्रिक्स m का भी जो ऑर्डर होगा वो 1/2 हो जाएगा। एक बात हमको मैट्रिक्स m सपोज करना है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो 1/2 के ऑर्डर की आई, उसको लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं मैट्रिक्स m की वैल्यू क्या होती है। ओके, इट इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स। सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स m आपका 1/2 ऑर्डर का है, एक एलिमेंट ले लेते हैं a एंड सेकेंड एलिमेंट को ले लेते हैं b, ठीक, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। और ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं 1, 0, 1, 2 एंड ईयर देयर प्रोडक्ट रिजल्ट 1 एंड 2। ओके, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो क्या हो जाएगा, ए एंड 0, ए प्लस 0, हियर ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, देखिए इसका इसमें होगा b का 2 में हो जाएगा। नाउ 1, 1 एंड 2, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए ए प्लस 2b, 1, 2। क्लियर? अब अगर से दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, तो हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ हियर कंपेयर द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ए इज इक्वल टू 1, ओके, एंड ए प्लस 2b इज इक्वल टू, ए प्लस 2b इज इक्वल टू 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, 1, 2b इज इक्वल टू 2, मीन्स 2b इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, 2b इज इक्वल टू 2 minus 1, 1, मीन्स b इज इक्वल टू 1/2। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट a b c आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b c, ये दो चीजें मालूम हो जाएगी, उसके बाद आपको a स्क्वायर माइनस a प्लस b c निकालना है। तो जब ए स्क्वायर आपको मालूम हो गया, बी सी मालूम हो गया और ए गिवेन है, इसमें लाके सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जहाँ पे माइनस का साइन है वो दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स आप लाके ऐड कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्लियर? नाउ हियर p
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाई पी फॉर पी स्क्वायर एंड क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू फॉर क्यू स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर हियर, यू गेट द वैल्यू. नाउ अगेन सब अब सिंप्लीफाई द सेकेंड पार्ट. पी प्लस क्यू मीन्स एड दिस टू मैट्रिक्स हियर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू मीन्स मैट्रिक्स विच यू वी गॉट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस टू मैट्रिक्स पी माइनस क्यू. ओके, ये मैट्रिक्स मालूम हो गई, ये मैट्रिक्स मालूम हो गई. अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. आप ये मत सोचिएगा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू होता है. आप जो रूल है जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलिए. वो बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है, मैट्रिक्स के रूल कुछ अलग लग रहे हैं. तो हमको क्या करना है, पी मल्टीप्लाइड बाई पी निकालना है. मीन्स पी का पी में मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर बना लीजिए, क्यू का क्यू में मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर बना लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. क्लियर. नाउ यहाँ पे क्या करना है, पहले पी और क्यू को ऐड करिएगा, ये एक मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पे. फिर क्यू माइनस पी कर पी माइनस क्यू करिएगा, सेकंड मैट्रिक्स मिलेगी. अब जो दोनों रिजल्ट मिले हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद आपसे कहा जा रहा है इफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू आर इक्वल आर नॉट ट्रू फॉर मैट्रिक्स एलजेब्रा. अब आपको चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स जो रिजल्ट आपको मिल रहा है सेम है या नहीं है. अगर सेम होगा तो ठीक है, आप वहाँ पे आंसर लिख दी गई है, अदरवाइज यू कैन राइट नो इट इज नॉट ट्रू फॉर द मैट्रिक्स एलजेब्रा. नाउ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9th नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी ये दिया है. ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9th. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द राइट साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड देन वी कंपेयर द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. राइट लेफ्ट साइड देर इज नो चेंज, 3, 2, 4 and 5. When we multiply these two matrix, we get A plus 0. A plus 0. Now 0 plus B, 0 plus B, C plus 0, C plus 0, and 0 plus T, 0 plus T. Simply, you can multiply and check that these results are correct or not. 3, 2, 4, 5. And simplify the right side. A, C, B, and D. Okay? Now, कंपेयर द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 5. एक चीज और यहां देखिएगा, ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. जब भी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी के साथ किया जाता है तो सेम वही मैट्रिक्स मिलती है जिसका मल्टीप्लाई किया गया था. इसलिए यहां पे और इसमें मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा. ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टीज भी इसमें दिख रही है. वो ये एक तरीके से कह दीजिए वेरीफाई हो रही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. ओके, रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 यू कैन ट्राई टू सॉल्व. इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. नाउ 16 क्वेश्चन. इफ ए इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1, 3 शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 5 i इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स मीन्स जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 में मिला है 0, 1, 1, 0, 0, 1 ऐसे मिली थी ना एक मैट्रिक्स उसी तरीके से. तो सबसे पहला काम हमको इसमें क्या करना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई ए बाई 4. ओके, इसके बाद इसमें ला के वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 16 को पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व किया जाता है. ओके, ये हमको शो करना है, ये मैट्रिक्स ए हो गई और शो करना है ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 5 i इज इक्वल टू 0. वो बात की बात है. सबसे पहला काम तो ए स्क्वायर को फाइंड करना है. ए स्क्वायर फाइंड किया जाए, देखा जाए क्या आता है. ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए मीन्स इसी मैट्रिक्स का, इसी मैट्रिक्स के साथ आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. या 1, 2 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 माइनस 1 एंड 3. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2. क्लियर, -1 -3 ये हो गए, सेम एज ये 2, 6 -2 प्लस 9. थोड़ा सा और इनको सॉल्व कर लिया जाए उसके बाद समझ में आ जाएगा हमको क्या करना है. ये हो जाएगा आपका -1, 8 -1, 8 and -4, 7. क्लियर, ये हो गए आपकी मैट्रिक्स ए स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमको चाहिए थी इसलिए इसको सीधा से इसमें लाके रख दिया.
4a करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, और 5i करेंगे तो i में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेते हैं जो आपको प्रूफ करना है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए स्क्वायर मीन्स माइनस 1 8 माइनस 4 7, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई आई, आई एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट हियर वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 3, एंड आइडेंटिटी 1 0 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारी चीज़ें 0 होती हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अच्छा, अब ज़रा से देखिए, और इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं उसके बाद, 1 माइनस 4 8 7 ये हो गए। नाउ 4 से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस 4 से, माइनस छोड़ देते हैं बाहर, बाद में देखा जाएगा। 4 माइनस 4 8 12 सेम एज यू, 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 0 0 5। ओके, अब देखिएगा जब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पर ऐड हो रहा होगा। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 माइनस 4 प्लस 5 1 माइनस 4 प्लस 5, क्लियर। माइनस 4 प्लस 4, देखिए ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 4, और ये आपको 0, ये हो गया। इसमें आ जाइए 8 माइनस 8 प्लस 0, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हो रहा है, 7 माइनस 12 प्लस 5, ठीक है ना। अब देखिए इनको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलना है रिजल्ट, 0, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है प्लस माइनस की वजह से, ये है आपका ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 1, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1, हाँ माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 और प्लस 5 0, माइनस 4 प्लस 4 0, प्लस 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 12 0। यही तो आपसे कहा था कि शो दैट, देखिए जो शो करना है वो देख लिया जाए, हाँ ये शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0। ये बुक में थोड़ा सा डार्क हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है, इसी को हम लोग जीरो करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब चूंकि वो प्रिंटिंग मेथड है इसलिए जीरो डॉट से लिख दिया गया, बट आपका रिजल्ट ये है, हमको सिंपली जीरो लाना है, जीरो मैट्रिक्स लाना है, ना कि जीरो, जीरो मैट्रिक्स लाना है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन था, छोटा सा है, सॉल्व हो गया, 3 नंबर मिल जाएगा आसानी से। तो खुद से लगाइए, देख के लगता है बहुत आसान है बट सॉल्व करिएगा तो समझ में आएगा कहाँ कहाँ से मिस्टेक हो सकती है। ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आपको क्लास 10th लेवल पे नहीं मिलना है। सेम एज ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 18, हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन, 19 20 एंड सो ऑन। सो सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ट्राई ऑल एग्जाम्पल ऑल्सो, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी एक्सरसाइज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड सिंप्लीफाई, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हियर सेल्फ इवेल्यूएशन एक्सरसाइज डिवीजन लेटेस्ट ICSE क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जो ICSE एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए भी, और आपके टेस्ट हो जाएगा कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो इन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। बाय बाय।